नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ राजस्थान की स्पेशल डिश ढोकला की रेसिपी, जिसे गेहूं के आटे से बनाया जाता है और इसे दाल, कढ़ी और दही के साथ भी खाया जाता है। इस पर घी या तिल के तेल के साथ भी इसे खा सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी होती है। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 500 ग्राम आटा लिया है। अब हम इसमें 1 चम्मच साबुत धनिए को दरदरा कूट कर डाल देंगे। यहाँ मैंने 1/2 चम्मच पापड़ खार डाला है, जिससे ढोकले बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं। 1/2 चम्मच मीठा सोडा डालेंगे, 1 चम्मच नमक डाल देंगे, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर। अब हम इसमें 15 से 20 लहसुन की कलियों को कूट कर इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो लहसुन का पेस्ट भी ले सकते हैं, लेकिन कूटे हुए लहसुन का टेस्ट अच्छा होता है। यहाँ मैंने 2 से 3 हरी मिर्च और 2 बड़े प्याज को भी अच्छे से कूट लिया है। ये भी हम इसमें डाल देंगे। आप चाहे तो इसमें बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ कूट कर डाला है। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे और 2 बड़े चम्मच मैंने यहाँ तेल डाला है। अब हम इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसे अच्छे से मिलाने के बाद इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे और एक डो तैयार कर लेंगे। ढोकले के लिए डो को हमें ज्यादा गीला या ज्यादा टाइट नहीं रखना है। हम इस तरीके से एक डो तैयार कर लेंगे, जो ना ज्यादा गीला है ना ज्यादा टाइट है। अब हम इसमें से एक लोई लेंगे और इस तरीके से गोल गोल ढोकली बना लेंगे। मैंने यहाँ हथेली की साइज की ढोकली बनाई है, आप छोटी या बड़ी बना सकते हैं। अब इसमें बीच में एक खड्डा कर देंगे दोनों साइड से, ताकि ढोकली अंदर से पक जाए। इस तरीके से हम सारे ढोकले तैयार कर लेंगे। यहाँ मैंने सारे ढोकले बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उस पर एक स्टैंड रख देंगे। मैंने यहाँ एक स्टैंड रखा है, आप चाहे तो बड़ी साइज की कटोरी रख सकते हैं और उसके ऊपर एक जाली रख देंगे। अब हम इसमें पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद इस पानी को हमें ढक्कन लगाकर 5 मिनट तक गर्म कर लेना है, क्योंकि ढोकला हमें पानी गर्म होने के बाद ही इसमें रखना है। 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाकर इस पर ढोकले रख देंगे। बस सावधानी से रखना, पानी गर्म है तो हाथ ना जल जाए। हमें सावधानी से सारे ढोकलों को इस जाली पर रख देना है। मैंने यहाँ सारे ढोकले इस पर रख दिए हैं। अब हम इसे ढक्कन लगाकर 20 मिनट तक धीमी आंच पर पकने देंगे। ध्यान रखना है, इसे एकदम से कवर करना है, स्टीम को बाहर नहीं आने देना है, क्योंकि सारे ढोकले हमें भाप से ही पकाने हैं। 20 मिनट बाद हम ढक्कन हटा लेंगे और ये हमारे ढोकले बनकर तैयार है। अब हम गैस को बंद कर देंगे। इन ढोकलों को बनाने में बस इतना ही ध्यान रखना है, स्टीम को बाहर नहीं आने देना है और इसे अच्छे से कवर करके 20 मिनट धीमी आंच पर पकने देना है। ये हमारे ढोकले बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे। आप इसे घी या तिल के तेल के साथ खाएंगे तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगी। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय।